कुरला में शिवसेना के कार्य सम्राट नगर सेवक दिलीप लांडे ने महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए एवं उनके स्वयं रोजगार के लिए 1000 सिलाई मशीन बांटने का कार्यक्रम रखा। इस अवसर पर प्रमुख उपस्थिति के रूप में विधायक डॉक्टर नीलम गोहे, थाने महानगर पालिका की महापौर मीनाक्षी सिंधे, उप महापौर हेमांगी वर्लीकर तथा महिला विभाग प्रमुख संजना मुंडेकर मौजूद रही। इस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में महिलाएं मौजूद थीं। दिलीप लांडे ने इस अवसर पर यह भी कहा कि मैं 2019 में विधायक का चुनाव लड़ूंगा, आप सभी लोग मुझे अपनी सेवा करने का मौका दें, ये चांदीवली विधानसभा क्षेत्र मेरा घर है। आदरणीय उद्धव साहब के आशीर्वाद से मुंबई महानगर पालिका में मेरे विभाग के जनते ने एक विश्वास रख के, भरोसा रख के, जो महानगर पालिका चुनाव के अंदर कई 25 साल से जो आशीर्वाद दे रहे, तो मेरा फर्ज है कि मुंबई महानगर पालिका के माध्यम से जो भी कोई स्कीम हो वो स्कीम मेरे विभाग के अंदर हर घर तक, हर रहवासी के घर तक वो पहुंचना चाहिए। और वो उद्देश्य सफल करने के लिए मुंबई महानगर पालिका के तरफ से महिलाओं को स्वरोजगार करने के लिए इस सिलाई मशीन का वाटप यहाँ पे किया जा रहा है। एक अभिमान से कहता हूँ, गर्व से कहता हूँ कि पूरे मुंबई शहर के अंदर 227 वार्ड के अंदर मेरा एक वार्ड है कि जहाँ पे 1000 महिलाओं को सिलाई मशीन दिया जाता है। बाकी वार्ड आप देखेंगे तो 30 मशीन दिया जाएगा या 35 मशीन दिया जाएगा, लेकिन मैं प्रशासन से झगड़ा करके मेरे विभाग के लोगों के लिए मैं 1000 महिलाओं को सिलाई मशीन बांट दे रहा हूं। अगले साल ऐसे तरीके से महिलाओं के उद्योग करने के लिए, स्वरोजगार के लिए वापस ऐसे निधि से उनको योजना उनके घर तक पहुंचाने का काम करूंगा। अब देख रहे हैं कि इतने बड़े पैमाने के साथ एक भरोसे से, विश्वास से, अभी 10 बज गए रात का तो भी यहाँ पे लेडीज शांति से बैठे हैं। उनको भरोसा है कि दिलीप मामा के राज में यहाँ पे सुरक्षा है, भरोसा है, मान सम्मान है, इसलिए तो इतने लेडीज इसके साथ में आए हैं। देखो, तैयारी करना किसको पड़ता है कि जो 5 साल 4 साल पब्लिक को थोपड़ा नहीं दिखाते, पब्लिक के साथ में नहीं रहते, पब्लिक का काम नहीं करते, पब्लिक को मान सम्मान नहीं देते, वो लोग को तैयारी करना पड़ता है। मैं साल के पूरे दिन पब्लिक के सेवा में रहता हूँ, पब्लिक को मान सम्मान देने के लिए रहता हूँ, विभाग का विकास करने के लिए रहता हूँ। और जो काम पब्लिक ने मेरे को बताया, जो भरोसा पब्लिक ने मेरे ऊपर रखा, वो भरोसे के साथ पब्लिक को मान सम्मान दे रहा हूँ और विभाग का विकास कर रहा हूँ। इसलिए मेरे को आने वाली विधानसभा चुनाव के लिए तैयारी करने की जरूरत नहीं है, तैयारी ये लोग ही करेंगे, ये लोग ही आशीर्वाद देंगे और ये लोग ही वोट देंगे। मैं किया है, शुरू करने की जरूरत नहीं, मैं किया हूँ। यहाँ पे बच्चे लोग को खेलने के लिए मैदान नहीं था, मैं मैदान बना के दिया। यहाँ पे बैठने वाले फैमिली के लिए, महिलाओं के लिए एक गार्डन नहीं था, मैं अच्छा गार्डन बना के दिया। पानी की समस्या थी, हर घर तक पानी पहुँचा। अगर आप टॉयलेट देखेंगे तो मुंबई शहर के अंदर टॉयलेट की कमतरता है, लेकिन आप अगर मेरे विभाग के अंदर आएंगे देखेंगे तो हर गली में अच्छा टॉयलेट बनाया, कई कई जगह पे टॉयलेट में एसी बिठा के दिया, एफएम बिठाया, अच्छा लाइट दिया है, पानी की सुविधा दिया है। ऐसे सुविधा युक्त टॉयलेट हर चाली में, हर गली में दिया हूँ। एक तो मुंबई महानगर पालिका के माध्यम से दिलीप जी लांडे और हमारे शिवसेना के सब जो पार्षद है, इन्होंने मिलकर ये महीनों के लिए एक अच्छा महिला विकास का प्रोग्राम हाथ में लिया है।
और आपने ये भी स्पष्ट देखा है कि हर जाति की हर तबके की महिला यहाँ पे आई है, और आपको पता है कि प्लास्टिक को के बारे में अभी उसमें कंट्रोल होने के कारण जो कपड़े से बनती है ऐसी प्रोडक्ट्स को बहुत अच्छा मार्केट है, और इसके लिए ये है उसी के साथ साथ गारमेंट इंडस्ट्री में महिला अपने घर को संभाल के काम कर सकती है। तो पहले जो बात होती थी कि गारमेंट इंडस्ट्री में बहुत महिलाओं का शोषण होता था, पैसे कम मिलते थे, लेकिन धीरे धीरे उसका मार्केट बढ़ाने की कोशिश भी हमारे पार्षद कर रहे हैं। लेकिन उनके साथ उन्होंने ये भी कहा कि इस नज़दीक के एरिया के जो होटल्स हैं वहाँ पर रोटियाँ जो लगती है वो बनाने का काम भी करने के लिए बहनें तैयार है। तो बचत गट का जो मकसद है उनके परिवार में आर्थिक विकास लाना, उसके लिए आगे कदम लेके जाने का काम शिवसेना कर रही है। उसी के साथ साथ शिवसेना सुरक्षा के बारे में भी बहुत सोचती है, और इसीलिए बालासाहेब जी ठाकरे उन्होंने जो भगवा लहराया उसमें हर जाति की हर धर्म की महिलाओं के लिए सुरक्षा की बात की है, और इसीलिए आज महिलाएं बहुत उत्साह से यहाँ पे आई है। और देखिए आज एक त्यौहार मनाया जाता है गटारी अमावस्या, मतलब बहुत उस दिन लोग जल्लोष करते हैं, शराब लेते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में भी महिला इतनी सुरक्षा और इतना हौसला रख के यहाँ पे आई है, इसका मतलब ही है कि उनके मन में स्फूर्ति और आत्मविश्वास शिवसेना ने दिया है, और ये वो बहुत महत्वपूर्ण है। और उद्धव साहब ने ये जो मार्गदर्शन किया उसके मुताबिक मैंने उनके सामने कई मुद्दे रखे हैं महिला विकास का एजेंडा, जिससे वो आगे काम कर पाएंगे। महिलाओं के अत्याचारों के लिए कुछ कानून तो सरकार ने बनाए हैं, लेकिन वो कानून की जानकारी लोगों तक पहुँचना ज़रूरी है। उसी के साथ साथ पुलिस को जेंडर सेंसिटाइजेशन बनाना भी ज़रूरी है। अस्पतालों में भी बहुत महिलाओं को काफ़ी बातों की तकलीफ हो रही है। और महिला सुरक्षा के बारे में कहेंगे तो आदित्य जी ठाकरे उन्होंने BMC के माध्यम से करीबन 50,000 से ज़्यादा बहनों को सुरक्षा की ट्रेनिंग दी है। उसी तरीके से इस एरिया में भी काम चल रहा है, लेकिन मुझे ये अपेक्षा है कि जो भाई हैं, जो आदमी लोग हैं, जो ये देखते हैं, उनकी भी ये बहुत जिम्मेदारी है कि वो दूसरे महिलाओं के साथ में जो उनके रिश्तेदार नहीं है वो सम्मान और सुरक्षा के साथ वर्तन करें। कार्यक्रम तो बहुत ही उत्कृष्ट है, ऐसा जो दिलीप जी ने यहाँ पे लिया है वो सच में जो आजकल की जो भी नारी है उनको आज बहुत मतलब सक्षम करने के लिए बहुत अच्छा ऐसा कार्यक्रम उन्होंने लिया है। क्योंकि ये जो मशीन जो 1,000 मशीन जो यहाँ पे मतलब दिया जा रहा है वो मतलब कैसा औरतों को सक्षमीकरण करने के लिए ही उन्होंने दिया है, और मेरे ख्याल से ये बहुत बहुत मतलब इतना अच्छा काम उन्होंने किया ना, मेरे ख्याल से इसमें से कम 1,000 में से 500 भी अगर औरतें रोज का अगर अपना खुद का गुजारा भी कर लेती है तो भी मानना पड़ेगा कि नहीं ये सक्सेस हो गया है करके। भी अत्याचार हो रहे उसके ऊपर अपने प्रशासन का भी उतना ही ये रहना चाहिए,
अपना भी जो सरकार है उन्होंने ज़्यादा करके इस पर ध्यान देना चाहिए कि अत्याचार तो, लेकिन मेरे ख्याल से हमारे जो अभी भी जहाँ जहाँ शिवसेना के बाले किले हैं वहाँ पे मेरे ख्याल से अभी भी महिला अपने ये मुंबई में सुरक्षित है। मुझे नहीं लगता है कि मुंबई में ऐसा कोई ज़्यादा घटना घटता होगा। जो भी आजकल जो हो रहा है अत्याचार वो ज़्यादातर मुंबई के बाहर ही हो रहे हैं। जो महिला पे आजकल जो आगे अत्याचार हो रहे हैं उसके शिवसेना क्या कदम रहेगा? शिवसेना हमेशा ही आक्रामक है ना, शिवसेना ने हमेशा ही महिला के सबलीकरण के लिए, महिला मेन तो शिवसेना के जो रगन रागिनी है वो ही सक्षम है महिला को सपोर्ट करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। उनके आगे बढ़ाने के लिए हमारे मुंबई अभी मुंबई महानगर पालिका में हमारी जो सरकार है वह बहुत ही महिला बाल कल्याण के थ्रू हम लोग बहुत अच्छा अच्छा योजना जो है हम लोग मुंबई महानगर पालिका में मतलब चला रहे हैं, राज्य सरकार का भी है, उससे महिला सक्षमीकरण हो सकते हैं आराम।